हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत 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 स्पेशल है। मे बी मेरे आज तक के सभी व्लॉग्स में सबसे स्पेशल यही व्लॉग है, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही बड़ी बहुत बड़ा दिन है आज का, क्योंकि आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। मतलब नॉर्मली जनरली लाइफ में हम कभी ऐसी बात सोचते नहीं है, और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। बहुत ही हिस्टोरिक और बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस होने वाला है। वो हमारे गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस है, और जहाँ पर उन्होंने 20 साल तक खेती की है, उनका जो गांव रहा है वहाँ पर हम जा रहे हैं, विच इज़ इन पाकिस्तान। हर पंजाबी के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्पेशल जगह है। पाकिस्तान का हम जो प्रोसेस है अभी हम फॉलो कर रहे हैं, हम सब बताएंगे। पूरा फाइल रेडी किया है हम लोगों ने, तो मैं कार में बैठ कर आपको सब दिखाती हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से, अमृतसर से, और एक घंटे का सफ़र है, तो स्टे ट्यून्ड। दिस इज सोनिक, व्हाट आर यू वेयरिंग? पूरा पठान कुर्ता पहना है इसने, जैसे पजामा भी उनका होता है। पता नहीं इसको एंट्री मिलने वाली है कि नहीं वहाँ पर। लेट्स सी सोनिक जा पाता है कि नहीं। हाँ वही तो कह रही, टोपी ले लेना बस वहाँ से। दिस इज माई हैंडसम कैप्टन। आज कैप्टन ने मेरे बहुत फोर्स करने पर शर्ट पहनी है। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमें अपना ऑब्वियसली पासपोर्ट की ज़रूरत है। हम तीन हैं तो ये हम तीनों का पासपोर्ट है। फिर ये वहाँ का फॉर्म जो हमने ऑनलाइन फिल किया था वो है हम तीनों के, मेरा, कैप्टन का और सोनिक का। उसके बाद ये हमारी जो वैक्सीनेशन के डबल डोज हुए थे उसकी रिपोर्ट है। साथ में हमने जो रिसेंट RT-PCR करवाया है, जो 72 आवर्स के अंदर अंदर करवाना होता है, तो ये हम तीनों की वो रिपोर्ट्स हैं, मतलब वैक्सीनेशन का और RT-PCR का। तो हमको बहुत भूख लग रही, तो हमने अभी यहाँ से 4 केले लिए हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। जितना यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे उतना हमको वहाँ पर टाइम कम होता रहेगा, क्योंकि 5 बजे रिटर्न हो जाते हैं वहाँ से। 4 बजे हमको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। गेट है जहाँ से आगे पाकिस्तान स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हमारी पूरी चेकिंग हो गई है। फॉर्म्स वगैरह सब चेक कर लिए गए हैं, और डॉग्स आए थे, डॉग्स ने पूरी हमारी कार की सबकी चेकिंग की है। बहुत तगड़ी चेकिंग और नॉलेज ये सब लेके पोलियो ड्रॉप्स हमको दिए गए हैं, और काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पर। वो सब कुछ होने के बाद अब हम निकल रहे हैं फाइनली अपने जर्नी पे। यहाँ पर हमको वेट करना है, यहाँ पर एक छोटी सी कार्ट आएगी, वो कार्ट में बैठकर हम आगे बढ़ेंगे। अभी अब कुछ कुछ हो रहा है क्योंकि सामने हमको पाकिस्तान का बोर्ड दिख रहा है, वेलकम टू पाकिस्तान। कुछ अच्छा भी लग रहा है और नर्वस भी हो रही हूँ। अभी हम इंडिया में हैं और पाकिस्तान में जा रहे हैं। ओ माय गॉड। हेलो गाइस, अभी हम इंडिया में हैं, अब हम जाएंगे पाकिस्तान। कुछ ही कदमों में पाकिस्तान आएंगे। ये बस ये वाइट पट्टी क्रॉस करते ही हम पाकिस्तान में होंगे। अगर एक पासपोर्ट में मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? जा रहा है पाकिस्तान। अभी हम जस्ट एंटर हुए हैं बस गेट में, एम्बेसी में ही है, और सोनिक के फ़ोन में लोकेशन आ गई है। ओ देखा क्या लिखा है, जलुनंगल पाकिस्तान। तो ये है $60 जो हमने यहाँ पे एक्सचेंज करवाए हैं पाकिस्तान एम्बेसी से, और ये यहाँ पर हमने डिपॉजिट करने हैं एज आवर फीस। $20 ईच है हमारी यहाँ की फ़ीस, और ये हमें 5,000 के बदले 16,000 समथिंग पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं यहाँ पे भी, पाकिस्तानी रुपीज़ मिले हैं फॉर शॉपिंग या फिर जो भी हमें करना हो, इन पैसों का हम खर्च कर सकते हैं यहाँ पे। अंदर रख दिए और हमें फाइनली ये पास मिल गया है। बस यही अब हमारी
आइडिया है, ये पहन के हमें घूमना है, बाकी सब कुछ हमने अंदर रख दिया और अब गुरुद्वारा बस आ ही गया है। हम आ रहे हैं और कई लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं, तो मेरे फोन में मैं कब से सोच रही हूँ कि तो वो ने 3:30 बजे रिटर्न बोला, यहाँ के टाइम यहाँ का 3:30 वहाँ का 4। अच्छा, तो मैं कब से सोच रही हूँ कि हमारा बड़े जल्दी काम निपट गया, क्योंकि मेरे फोन में आधा घंटा पहले टाइम हो रहा है, मैं बोली टाइम रुक सा गया, अब पता चला कि इसके फोन में 1:15 घड़ी में 1:15 दिखा रहा है और मेरे में 12:45 क्योंकि अपडेट हो गया नेट ऑन करने के कारण। बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है यार, 10-12 बार हो चुकी है, अब थक गए हम लोग। यहाँ पे लिखा भी क्या समझ नहीं आ रहा है, पंजाबी और उर्दू है बस, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है। लिखा दर्शन देवरी, खेती साहब, निशान साहब, बाबा जी दे बाग, पक्का डेफिनेटली यही लिखा है, फर्स्ट वाला बाबा जी दे बाग। थोड़ी बहुत मुझे आती है। सबसे पहले आप ये दरवाज़ा क्रॉस करेंगे, आपकी राइट साइड पे जोड़ा घर है, आप उधर जोड़े जमा करा सकते हैं। जोड़े जमा कराने के बाद अगर आपने हैंड वॉश करने हो तो ये वाटर कूलर के साथ बाहर वॉश बेसन लगा है, इधर आप अपनी हैंड वॉश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है तो लॉकर में रख सकते हैं। तो ये है यहाँ का सरोवर, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है। इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ऐसा सरोवर होगा, एक बहुत ही अच्छा क्लासिक पूल जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत ही सेक्रेड वाटर है। फर्श पूरा बहुत ज़्यादा गर्म है, हम लोग के जोड़े घर में हमने सबमिट भी कर दिए अपनी अपनी चप्पलें, तो हम अब ये कालीन से होते हुए जाएंगे। ये पूरे मार्बल्स का रास्ता है और वो है दरबार साहब, कालीन में पूरा पानी डाला हुआ, थैंक गॉड। आहे गुरु, आहे गुरु, आहे गुरु। गुरु नानक देव जी का जन्म इस जगह से 500 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब में हुआ था, पर उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 18 साल यहाँ पर बिताए थे, यहाँ पर खेतीबाड़ी की थी। जब उनकी डेथ हुई तब हिंदू मुसलमानों में बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि हिंदू कह रहे थे कि ये संगत कह रही थी कि ये हमारे बाबा जी हैं, हमने इनका संस्कार करना है, और मुस्लिम कह रहे थे कि ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बाबा जी हैं, हमने इन्हें दफन करना है। ये बात है 1549 की, और जैसे ही उन्होंने बाबा जी के शरीर के ऊपर से चादर हटाई तो अंदर से उनका शरीर नहीं था, सिर्फ ताज़े फूल और चादर थे। तो हिंदू मुसलमानों ने दोनों ने आधा आधा करके आधे की मज़ार बना दी मुसलमानों ने, और आधे को संस्कार करके गुरुद्वारा बना दिया गया, अंगीठा साहब बना दिया गया। तो ये है इस जगह की हिस्ट्री। तो नीचे देखने के बाद हम चल रहे हैं ऊपर, यहाँ पर है बाबा जी की भीड़ है यहाँ पर शायद। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु। आगे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बाबा जी ने लास्ट 18 साल में जो बाग बनाए, जो खेती की थी, वो आगे हम वो दिखाने वाले हैं आपको। ये जो गुरुद्वारा है ये 100 साल पुराना है, पर उसके पहले की जो था बिल्डिंग जो बाबा जी की बनाई हुई थी वो अब यहाँ पर से बह चुकी है, क्योंकि पहले जो रावी नदी थी वो बस एकदम साथ में लग के गुजरती थी, पर अब वो बहुत अब वहाँ से बहुत दूर हो चुकी है, तो वो बिल्डिंग सारी बह चुकी है। तो ये 100 साल पहले ये गुरुद्वारा बनाया गया है। ये हैं बाबा जी के खेत, बीच में बहुत बड़ा खंडा बना हुआ है, आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि फर्श बहुत ज्यादा गर्म है, कड़क धूप में आए हुए हैं, तो हम आगे जा नहीं सकते, यहीं से देख लेते हैं। ये पूरे खेत हैं बाबा जी के। ये है बाबा जी का खूह, यहाँ से हम जल भी ले जा सकते हैं, पर हमारे पास अभी जल ले जाने के लिए कुछ सोर्स नहीं है। ये ओरिजिनल है, इसमें कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है मुझे लगता है। ये भी बहुत पुराना लग रहा है।
गुरुद्वारा पूरा खाली है और लेडीज़ या गर्ल्स तो मुझे एक भी नहीं दिखी यहाँ पर अभी तक। पता नहीं रीज़न क्या है, कुछ इंडियन लेडीज़ थी वो जा चुकी हैं और उसके अलावा यहाँ लोकली मुझे कोई भी नहीं दिखा अभी तक लेडीज़। बहुत सुंदर, नीट एंड क्लीन। पांडे ले लो। तो हमारी चप्पलें तो जोड़ा घर में सबमिट है। तो यहाँ पर लंगर करने के बाद पीछे एक मार्केट है यहाँ से, जहाँ पर हम थोड़ा लोकल शॉप्स देख सकते हैं, यहाँ के लोकल कल्चर देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चप्पलें रखी उन्होंने कि यही पहन के चले जाओ। और बेचारे सोनिक के नाम की कुछ नहीं मिल रही, तो वो ढूंढने जा रहा है। हमको मिल गई है, जो अवेलेबल थी हमने ले ली है। सोनिक ढूंढ रहा है अपने लिए चप्पल। मिली, एक पैर की मिली थी वो तो पहन के रख। फाइनली फाइनली सोनिक, मैं भी ऐसी चलूंगा। ऐसी ऊपर कर ले तू भी थोड़ा सा। ये है यहाँ की मार्केट, ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक है बस। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स है, तो ये हम मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ का लोकल मार्केट। अच्छा ये फ्लेवर अपने पास नहीं है। वेरी फ्लेमिंग हॉट। ये भी देख, कुरकुरे, काले कुरकुरे देखिए। काले कुरकुरे जाम। वाओ। तूफानी मिर्च। तूफानी मिर्च। तूफानी मस्त मसाला। वो फ्रेंच चीज। ये सब हमारे क्यों नहीं मिलता? पैकेजिंग भी अलग है, क्लासिक भी है, लेकिन पैकेजिंग अलग है। रेडबुल नहीं है, पावरफुल है। ठंडा पानी, नेस्ले का पानी मिलता है। प्योर लाइफ। यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है, वो हमारे थैले पैक है। और ये भैया बहुत सपोर्टिव है वीर जी। तो दिखाओ कि अपन कितने अपन जिन्ना दे रहे हैं यहाँ पे। जिने जी, जिने मोहम्मद अली जिना। 14,000 जिना। इंडियन कितने हुए अपने? 55। वैरायटी है, हमने पाकिस्तानी सूट्स ले लिए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जिन्ने भी इंडियन सानू यात्री देखने ने वीर भरा, उन्होंने साडा सलाम ते सत श्री अकाल। पाकिस्तान का सब तो वधिया कपड़ा बोस की, सब तो वधिया स्पेशल फिनिशिंग क्वालिटी बड़ी जबरदस्त जी है। मौलवी शकील साहब का सब तो वधिया तोहफा ये तुम, एक वाइट कलर ते क्रीम कलर, दो कलर मेरी वीर जी तुम मिल जाएंगे। आज देखो एक वाइट कलर, एक क्रीम कलर। क्रीम कलर दो कलर है और बड़ी फेमस पाकिस्तान की चीज़ जी, पुराना कपड़ा वा पाकिस्तान का और बहुत ज़्यादा सरदार वीर भरा पसंद करके आने। उस तो बाद मेरी दीदी ने पसंद किया पलछी के सूट, पाकिस्तान का सब तो वधिया सूट ब्रोशिया पलछी। अजरक डिजाइन दी, इसमें हमने दूसरा डिजाइन लिया है। हमने जो लिए हैं वो इस पैटर्न के कलर्स लिए हैं। इसे हम कहते हैं पाकिस्तानी अजरक डिजाइन, बहुत ही फेमस so इसका दुपट्टा है। और ये इसकी शर्ट पीस है ये वाली, और प्लेन इसके साथ बहुत है। ये यहाँ पर लगा भी हुआ है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये कलर है ब्राउन कॉटन के, वो सारे सिंधी सूट है पाकिस्तानी, बड़े जबरदस्त सिंधी सूट है। सुनो तू ले ले सिंधी सूट। बजट भी लगी हुई है आपको, पाकिस्तान का तो उसमें सारी वैरायटी मिलेगी। थैंक यू। सो गाइज यहाँ पर हमारी ट्रिप अब एंड होती है, क्योंकि हमने पूरा गुरुद्वारा घूम लिया है और लंगर खा लिया है, फिर मार्केट भी घूम लिया, थोड़ी शॉपिंग भी कर ली है और अब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अपन अपनी अब वापसी करते हैं। यहाँ से हम वापस जा रहे हैं जहाँ पर हमको बस मिलेगी और वहाँ से हमारी चेकिंग वगैरह होएगी और फिर वहाँ से हम निकल पड़ेंगे वापस इंडिया के लिए। बोले तो ये जा रही है पूरी संगत अपने बाबा जी के दर्शन करके, और ऐसी बस आती है हमें रिसीव करने। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है और इस तरफ बसेस का रोल नहीं, क्योंकि यहाँ सीधा हमारा
वो इमिग्रेशन काउंटर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये है हमारा सोनिक, इतनी खुशी में नाचते गाते निकल रहा है पाकिस्तान से।